चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। एनवायरनमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग्स, हमारे आसपास की चीजें। यही अगर हम एनवायरनमेंट को बिजनेस के साथ जोड़ दें तो यही चीज क्या हो जाएगी, सराउंडिंग्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के आसपास की चीजें। अब बिजनेस किसे कहते हैं? देखो, बिजनेस तो हम सब जानते हैं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर लोग पैसा कमाने के लिए बिजनेस को करते हैं। लेकिन बिजनेस की जो डेफिनेशन अब हम समझेंगे वो डेफिनेशन एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से होगी। देखो ऐसा है, एक है कस्टमर और एक है वैल्यू, और बिजनेस जो है ना वो इन दोनों के बीच में एक तरह का इंटरफेस है। बिजनेस की वजह से कस्टमर और वैल्यू आपस में मिल पाते हैं। अब आप कहेंगे कि वैल्यू क्या चीज़ है, तो वैल्यू उस चीज़ को कहते हैं जिसके लिए कस्टमर पेमेंट देने के लिए तैयार हो। वैल्यू इज समथिंग फॉर विच कस्टमर मेक्स पेमेंट। अब जैसे हम किस किस चीज़ के लिए पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, कोई गुड्स हमें खरीदना हो हम उसके लिए पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, किसी से सर्विस लेनी हो, है ना, एडवोकेट सर्विस, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, उस सर्विस के लिए हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। हम तो एक्सपीरियंस के लिए भी पैसे देने के लिए तैयार हैं। लोग रिवर राफ्टिंग करने के लिए हरिद्वार जाते हैं, बंजी जंपिंग करते हैं, तो वो कोई गुड या सर्विस थोड़ी है, वो एक तरह का एक्सपीरियंस है। लोग उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए भी पेमेंट करना चाहते हैं। बहुत से लोग थिएटर्स के अंदर जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, मूवी देखते हैं, तो लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी पैसे पे करना चाहते हैं। तो वैल्यू उस चीज़ को कहा जाता है जिसके लिए कस्टमर पेमेंट करने के लिए तैयार है। और बिजनेस क्या करता है, कस्टमर और वैल्यू को आपस में मिलाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बिजनेस एक इंटरफेस है, एक ऐसा जरिया है जिससे कस्टमर वैल्यू आपस में मिल पाते हैं। बहरहाल चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। और बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हमने अभी ये समझा कि बिजनेस के आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी बिजनेस का एनवायरनमेंट कहलाती हैं। अब आप कहेंगे कि बिजनेस के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं जो बिजनेस का एनवायरनमेंट कहलाए। बिजनेस के आसपास उसके कस्टमर्स हैं जिनको बिजनेस गुड एंड सर्विसेज देता है। बिजनेस के आसपास गवर्नमेंट है जिसको गवर्नमेंट बिजनेस को क्या प्रोवाइड करती है, लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करती है, है ना, देश के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करके देती है, और बिजनेस गवर्नमेंट को टैक्सेस प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देती है, अच्छा, ताकि अब देखो एक देश से दूसरे देश में सामान बेचा जा सके, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचा जा सके। गवर्नमेंट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देती है, हम गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं। तो यानी बिजनेस के आसपास बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, बिजनेस के आसपास घूम रही हैं, उन्हीं को कहा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ आई बात ये नहीं आती? तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चीज़ है? बिजनेस एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट करता है उन सभी एक्सटर्नल फोर्सेस को, कंडीशंस को, जो कहीं ना कहीं बिजनेस के डिसीजन पर और बिजनेस की स्ट्रेटजीज पर इम्पैक्ट डालती हैं। इस डेफिनेशन को बहुत तरीके से समझना है। मान लेते हैं जैसे कि हमने देखा कि COVID-19 की सिचुएशन आ गई, कोरोना वायरस फैल गया। तो कोरोना वायरस क्या है, एक तरीके से जब वो फैला तो एनवायरनमेंट में ही तो आया, यानी बिजनेस उससे इम्पैक्ट हुए या नहीं हुए? लोगों ने देखा कि यार अब कोविड का टाइम्स है, हर जगह कर्फ्यू लग चुका है, कहीं पर भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, लोग फिजिकली दुकानों पर आना बंद कर दिया है। तो अब बिजनेसेस ने क्या लिया, भाई दुकानें नहीं खुल रही तो बिजनेस करना बंद कर दें, पैसे कमाना बंद कर दें? लोगों ने उस एनवायरनमेंट में आने वाले बदलाव को समझा और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए। जैसे आपने देखा बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया, तो अब भाई कोचिंग नहीं खुल रहा है तो पढ़ाना थोड़ी बंद कर सकते हैं। अब एनवायरनमेंट में कुछ भी होगा उसके अकॉर्डिंग बिजनेस की स्ट्रैटेजीज बदलती हैं, बिजनेस के डिसीजंस बदलते हैं। समझ आई बात ये नहीं आती? भाई कस्टमर है, कस्टमर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट का। समझ आई बात ये नहीं? अगर कस्टमर की डिमांड आप लोगों से बदल जाती है तो आपको भी कस्टमर की डिमांड के हिसाब से बदलना पड़ता है। तो बात सिंपल सी ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट उन सभी एक्सटर्नल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है जिनका इम्पैक्ट बिजनेसेस के डिसीजन पर और बिजनेस की स्ट्रेटजीज पर पड़ता है।
समझ आई बात ये नहीं आती? तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट करता है उन सभी एक्सटर्नल फोर्सेस को, उन सभी कंडीशंस को जिसका इंपैक्ट किसके ऊपर आता है, बिजनेस के ऊपर आता है, दैट एक्सर्ट सम डिग्री ऑफ इंपैक्ट, क्योंकि सारे वो फोर्सेस क्या करते हैं, बिजनेस के डिसीजन पर इंपैक्ट डालते हैं। हमारे बिजनेस के डिसीजन, बिजनेस के स्ट्रैटेजीज किसके अकॉर्डिंग बदलती हैं, एनवायरनमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग बदलती हैं। समझ आई बात या नहीं आती? देखो बेटा, एक बंदा है चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने एक बात कही थी, चार्ल्स डार्विन ने कहा था सर्वाइवल टू द फिटेस्ट। क्या कहा था? सर्वाइवल टू द फिटेस्ट। अब इसके कहने का मकसद क्या था? चार्ल्स डार्विन कहता था कि भाई देखो, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक कहलाते हैं स्ट्रांग और एक कहलाते हैं फिट। स्ट्रांग लोग कौन होते हैं? जो ताकतवर होते हैं, लेकिन सर्वाइव कौन कर पाता है? जो फिट होता है। सर्वाइवल सिर्फ फिटेस्ट का पॉसिबल है, स्ट्रांगेस्ट का नहीं। एक बेहतरीन एग्जांपल चार्ल्स डार्विन ने दिया कि किसी जमाने में डायनासोरस हुआ करते थे, लेकिन डायनासोरस सबसे स्ट्रांगेस्ट स्पीशीज थी उस जमाने की, लेकिन आज क्या डायनासोर एग्जिस्ट करते हैं? नहीं करते। लेकिन चिंपैंजी किसी जमाने में एक बहुत कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट स्पीच नहीं थी, लेकिन आज चिंपैंजी का इवोल्यूशन एक इंसान की फॉर्म में हो गया। यानी चार्ल्स डार्विन कहने का मकसद है कि इन्वायरमेंट जो है आसपास आपके बदलता रहता है, तो जो इंसान उस बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को बदलेगा वही लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएगा। समझ में आई? तो सर्वाइवल सिर्फ किसका पॉसिबल है? फिटेस्ट का, यानी जो बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को बदलना जानता है। आप कितने ताकतवर हैं वो मैटर नहीं करता। अगर आप बदलते हुए हालात के साथ अपने आप को नहीं बदल सकते तो फ्यूचर में आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में लगातार चेंजेस आते रहते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट एक तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें हमें पढ़ने पड़ते हैं। बिजनेस में, बिजनेस के आसपास ना जाने कितनी चीज़ें हैं जो घूम रही हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का कंट्रोल, कस्टमर की नीड एंड प्रेफरेंसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे बिजनेस को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है, और उन सभी के अंदर लगातार चेंजेस आते रहते हैं। तो बिजनेस को उन चेंजेस को समझना भी होता है और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट भी करना होता है। तो इसीलिए कहा गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट किसे कहा जाता है? उन सभी एक्सटर्नल फोर्सेस को जिनका इंपैक्ट बिजनेस के डिसीजंस पर और बिजनेस की स्ट्रैटेजीज पर पड़ता है। अब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि बिजनेस, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो इससे हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में और जानने को मिलेगा। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो बिजनेस एनवायरनमेंट में हम पढ़ेंगे वो ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको एक चीज समझा दूं। देखिए, मैं ना आपके सामने बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ एलिमेंट्स के नाम लिख देता हूँ ताकि आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ पाए। देखिए, कस्टमर बिजनेस एनवायरनमेंट का एक एलिमेंट है, कॉम्पिटिटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट का एक एलिमेंट है, गवर्नमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट का एक एलिमेंट है। अब ज़रा मैं आपको एक एग्जांपल देकर बात समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपका कॉम्पिटिटर जो है ना, आपका कॉम्पिटिटर वो अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पर बेचने की स्ट्रैटेजी बना रहा है। वो ये चाह रहा है कि किसी तरीके से अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करके मार्केट में बेचा जाए। समझ में आई बात या नहीं आती? और ऐसा करने में वो बड़ा आसानी से ये काम कर भी देगा, क्योंकि वो एक बड़ा कॉम्पिटिटर है, उसके लिए थोड़े से प्रोडक्ट के प्राइस को कम करना ज़्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा। अब फिर आप कहते हैं ठीक है यार, अगर वो प्रोडक्ट का प्राइस गिरा रहा है तो मुझे भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को क्या करना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा।
तो आप कॉम्पिटिटर के इस क्या नाम है डिसीजन की वजह से एक अपना डिसीजन भी ले रहे हैं, देख रहे हैं कॉम्पिटिटर का एक एक्शन आपको इंपैक्ट कर रहा है। तो यही तो कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। अब आपने जैसी प्रोडक्ट के प्राइस में गिराने की बात करी तो आपको थोड़ा सा क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ी। अब जैसी आपने प्रोडक्ट के प्राइस को गिराने की कोशिश करी और उसकी वजह से क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, फ़ौरन से आपका कस्टमर जो है वो आपसे क्या हो गया भाई, नाराज़ हो गया। कस्टमर की डिमांड भी कम होने लग गई। समझ में आती है बात या नहीं आती? अब आप सोचते हैं कि नहीं यार, कम कॉस्ट पर अब हम क्या करते हैं कि प्राइस गिराते हैं। अब आप एक चीज को संभालने बैठे थे, दूसरी परेशानी खड़ी हो गई। तो आपने कहा चलो कोई नहीं, अब मैं कॉम्पिटिटर और कस्टमर दोनों को झेलने की कोशिश करता हूँ। आपने सोचा कोई नहीं, कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट का प्राइस गिरा रहा है, हम भी गिराएंगे, हम भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को गिराएंगे, लेकिन अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर देंगे। जितनी लागत हम अपने प्रोडक्ट पर लगा रहे थे उतनी लागत लगाते रहेंगे, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। आपने इन दोनों चीज़ों को एक साथ हैंडल करने की कोशिश करी। आपने कॉम्पिटिटर के प्रेशर को भी झेलना चाहा और कस्टमर की डिमांड को भी समझने की कोशिश करी। इतना ही करने वाले थे, गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस बढ़ा दिए। अब एक तो पहले से ही प्रॉफिट मार्जिन कम है, गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को बढ़ाने चल गई, तो अब आपके लिए कम प्रॉफिट में अब आपको उसमें से भी टैक्स देना पड़ जाए, आपका यार मैं तो परेशान हो गया। आप समझ रहे हैं कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट के एक एलिमेंट को हैंडल करने चलते हैं तो दूसरा दूसरा एलिमेंट आपको परेशान करने लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को टोटैलिटी में समझना बड़ा मुश्किल काम है। आप बिजनेस एनवायरनमेंट के किसी एक एलिमेंट को इंडिविजुअली समझेंगे, यानी उसको पार्ट्स में समझेंगे तो बड़ा आपके लिए आसान रहेगा, लेकिन टोटैलिटी में समझना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही मैंने कहा कि बिजनेस एनवायरनमेंट कोई एक आध एलिमेंट से मिलके तो बना नहीं है, इसके अंदर कई फैक्टर्स, कई इवेंट्स, कई कंडीशंस जुड़ी हुई हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करती हैं। तो यही वाली बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, दूसरी चीज़ आपको परेशान करनी शुरू कर देती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का पहला कैरेक्टरिस्टिक हमें यह समझ में आया कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक कॉम्प्लेक्स चीज है। दूसरी चीज अब हम समझने की कोशिश करते हैं बिजनेस। देखो अभी ना मैं सिर्फ आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बता रहा हूं, और बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस की सराउंडिंग्स जिसके एलिमेंट्स बिजनेस को मजबूर करते हैं कि बिजनेस अपने डिसीजंस बदले, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में आने वाला चेंज बिजनेस को भी चेंज करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए हम बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चीज है, ताकि हम भी उस चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल सकें। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं हम, और इसीलिए हम बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर क्या समझ में आई कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक कॉम्प्लेक्स चीज है। देखो अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट की इन सभी बातों को समझेगा ना, तो उसके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना आसान होगा और उसके अकॉर्डिंग चेंज होना भी आसान होगा, ठीक है ना। चलिए दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बिजनेस एनवायरनमेंट ना डायनेमिक है। अब आप कहेंगे सर डायनेमिक क्या चीज है? डायनेमिक उस चीज को कहते हैं जो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, और बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा ही है बेटा। बिजनेस एनवायरनमेंट का हर एक एलिमेंट कंसिस्टेंटली चेंज होता रहता है। और किसी इंसान ने एक बहुत अच्छी बात कही कि देयर इज ओनली कॉन्स्टेंट इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही कॉन्स्टेंट है और वो है चेंज। यानी अगर कोई चीज आपकी एनवायरनमेंट में है, आपके यूनिवर्स में है, तो वो है चेंज। बस ये कहावत है कि नथिंग इज कॉन्स्टेंट, कोई भी चीज़ कॉन्स्टेंट नहीं है, यानी सब चीज़ें बदलती हैं वक्त के साथ साथ। अगर कोई चीज़ कॉन्स्टेंट है तो वो वर्ड है चेंज, ठीक है ना। चेंज तो आता ही रहेगा। और अब मेरी बात सुनो, बिजनेस एनवायरनमेंट का ये कैरेक्टरिस्टिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ये समझाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का हर एक एलिमेंट लगातार बदलता रहता है।
मैंने कहा ना कस्टमर कस्टमर बिजनेस एनवायरनमेंट का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो बिजनेस, अब बताइए आप, कस्टमर की नीड, कस्टमर के प्रेफरेंसेस, कस्टमर की डिमांड रोज बदलती रहती हैं, मौसम के हिसाब से नीड्स एंड वांट्स बदल जाती हैं भाई कस्टमर्स की। समझ में आती है बात या नहीं आती? आप गवर्नमेंट को देखो, गवर्नमेंट बदलती रहती है, गवर्नमेंट के डिसीजंस बदलते रहते हैं, कॉम्पिटिटर नई नई स्ट्रैटेजीज लेकर आते रहते हैं। समझ आई बात या नहीं आती? तो टेक्नोलॉजी लगातार बदलती रहती है। आज देखिए आप कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है और आगे भी एडवांसमेंट होनी है और ज़्यादा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का हर एक एलिमेंट जो है लगातार बदलता रहता है, इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को कहा जाता है डायनेमिक। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में दो बातें हमें समझ में आई, पहली बात कॉम्प्लेक्स, दूसरा डायनेमिक। तीसरा है मल्टीफेसेटेड। क्या है? मल्टीफेसेटेड। मल्टीफेसेटेड का मतलब क्या है? देखो मल्टीफेसेटेड उस चीज़ को कहा जाता है जिसके एक से ज़्यादा फेस होते हैं। मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, फेसेटेड मतलब फेसेस से है, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट के एक से कई ज़्यादा पहलू हैं। सर इस चीज़ का क्या मतलब? देखो ऐसा है, अगर कोई एक चीज़ के बारे में मैं आपसे बात करूं तो कोई इंसान उस चीज़ को अच्छा कह सकता है तो कोई दूसरा इंसान उस चीज़ को बुरा कह सकता है। जैसे कहा जाता है यार माँ बाप बच्चे को बड़ा मार रहे हैं, तो क्या कहते हैं बिल्कुल सही मारा, जब तक आप मारेंगे नहीं तब तक आपका बच्चा सुधरेगा नहीं। दूसरा कहते नहीं यार बच्चों को नहीं मारना चाहिए, बच्चे मासूम होते हैं, उनको क्या मता कि क्या गलत है क्या सही है। अब देखो एक बच्चे को पिटाई पड़ रही है लेकिन दो लोग उसको अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं, यानी डिफरेंट पर्सन का एक पॉइंट को लेकर डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। और जिस भी चीज़ में एक से ज़्यादा पहलू होते हैं उसी को मल्टीफेसेटेड कहा जाता है। अब यही पॉइंट मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मेरे बच्चे ऐसा होता है, अगर किसी भी तरीके की कोई डेवलपमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट में आती है, डेवलपमेंट से मतलब है चेंज से, अगर कोई भी डेवलपमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट में आती है तो उस चीज़ को डिफरेंट लोग डिफरेंट नज़रिए से देखते हैं। मान लीजिए एनवायरनमेंट में आने वाला कोई भी चेंज एक इंसान के लिए अच्छा हो सकता है और दूसरे इंसान के लिए बुरा हो सकता है। समझ में आई बात ये नहीं आती? कोई भी एनवायरनमेंट में आने वाला चेंज एक बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है, दूसरे बिजनेस के लिए बुरा हो सकता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा कि भैया प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे, तो प्लास्टिक बैग्स बनाने वाली कंपनीज के लिए बेकार बात है, लेकिन जो लोग क्या नाम है कपड़े का बैग बना रहे हैं, जूट बैग्स बना रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि एक चेंज किसी बिजनेस के लिए अच्छा और किसी बिजनेस के लिए बुरा हो सकता है। और बिजनेस एनवायरनमेंट के इसी फीचर को, इसी कैरेक्टरिस्टिक को कहा जाता है मल्टीफेसेटेड। समझ में आती है बात या नहीं आती? चलिए चौथा पॉइंट, चौथी कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं उसका जो इम्पैक्ट है ना वो फार रीचिंग होता है, यानी बहुत दूर तक होता है। देखो बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट में आने वाला चेंज बहुत से बिजनेस की, बहुत से क्या सभी बिजनेस की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को क्या नाम है इम्पैक्ट करता है। समझ आई बात या नहीं आती? अब आप देखिए जब कोविड 19 आया, ये भी एक तरीके का चेंज था, एनवायरनमेंट में बदलाव था। कोविड 19 के आने की वजह से बहुत से बिजनेस परमानेंटली बंद हो गए और बहुत से नए बिजनेस जो है वो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गए। आपने अक्सर सुना होगा जूम के बारे में सुना होगा, है ना। जूम कैसा एक प्रोडक्ट था, मीटिंग को कोई इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन आप देखिए कि उसने एकदम से कितनी ग्रोथ ले ली। यानी एनवायरनमेंट में आने वाला चेंज जो है वो आपके बिजनेस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। समझ आई बात यह नहीं आती? तो यही चार कैरेक्टरिस्टिक मुझे आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की समझानी थी, कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार बदलता रहता है, डायनेमिक है, बिजनेस एनवायरनमेंट मल्टीफेसेटेड है, बिजनेस एनवायरनमेंट में आने वाला चेंज एक बिजनेस के लिए अच्छा और एक बिजनेस के लिए बुरा हो सकता है, और बिजनेस एनवायरनमेंट में आने वाला चेंज बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए अब हम आते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, कि बिजनेस एनवायरनमेंट किसी भी बिजनेस के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट किसी भी बिजनेस के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? अब देखो मेरे बच्चे, मैं आपको ना दो शब्दों के बारे में समझाना चाहता हूँ, एक है अपॉर्चुनिटी, एक है थ्रेट। सर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है, पहले तो हमें ये बताइए। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी कंडीशन जो आपके फेवर में है,
दैट इज फेवरेबल कंडीशन। कहते ना यार ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसका मतलब एक ऐसी कंडीशन बनी हुई है जो आपके फेवर कर रही है। एक होती है अनफेवरेबल कंडीशन, जिसे आप थ्रेट कहते हैं, यानी खतरा। यार इस वक्त ना बड़ा खतरा है, यानी ऐसी कंडीशन बनी हुई है जो हमारे फेवर में नहीं है, हमारे अगेंस्ट है। तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये दोनों बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। देखो हम कहते हैं ना बिजनेस एनवायरनमेंट किस चीज़ से जाना जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट जाना जाता है अपने एलिमेंट्स के अंदर आने वाले चेंजेस से। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आते हैं ना, वो चेंजेस या तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं या फिर किसी के लिए थ्रेट बन सकते हैं। तो इसीलिए देखो दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है। आप अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को नहीं समझेंगे तो ना ही आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी होगी उसके बारे में समझ में आएगा, और ना ही आपको अगर कोई थ्रेट होगा ना उसके बारे में समझ में आएगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बड़ा ज़रूरी है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मान लीजिए आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपरली एनालाइज किया, उसमें आने वाले बदलावों को प्रॉपरली एनालाइज किया, तो आपको ये पता लगेगा, अगर मान लो बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई अपॉर्चुनिटी है तो आपको ये पता लगेगा कि यार बिजनेस मार्केट में ना एक ऐसी कंडीशन बनी हुई है जो हमें फेवर कर रही है। तो आप क्या करेंगे, यानी बिजनेस क्या करेगा, वो बिजनेस सबसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेगा। बिजनेस कहेगा इससे पहले इस अपॉर्चुनिटी को कोई और ग्रैब करे, मैं पहले इसको ग्रैब कर लेता हूँ। तो एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का क्या फ़ायदा हुआ कि आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगा और आपने पहले उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया फर्स्ट मूवर एडवांटेज से। मान लेते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में किसी प्रकार का थ्रेट है, यानी किसी प्रकार की अनफेवरेबल कंडीशन है, तो ये चीज़ भी आपको फ़ायदा देगी। पहले से ही आपको खतरे का पता लग जाएगा, जिससे आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल जाएंगे, जिससे कि आप उस खतरे के लिए प्रिपेयर हो सकें। अगर वो खतरा आपके ऊपर आए तो आपको इतना लॉस ना कर सके जितना लॉस उससे एक्सपेक्टेड था। तो ये चीज़ भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो मैंने क्या कहा, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने से, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने से ये चीज़ हमें पता लगती है कि हम मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंस बिजनेस एनवायरनमेंट की, वो ये है कि देखो अगर आप प्रॉपरली अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करोगे और उसको ग्रैब करोगे तो बताओ क्या होगा, आप ग्रोथ की तरफ ही तो आगे बढ़ोगे ना मेरे बच्चे। अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करना और पहला मूवर एडवांटेज लेना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो और एक्सपेंड करने में क्या करता है, मदद करता है। तो सिंपल सी बात है भाई कि पहला फ़ायदा तो ये है बिजनेस एनवायरनमेंट का कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट दोनों के बारे में पता लग जाता है। और जब आप स्पेशली आप अपॉर्चुनिटी को पहले से डिटरमाइन करते हैं तो आप अगर उस अपॉर्चुनिटी को डिटरमाइन कर फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो भी कर जाएगा। तो ये दूसरा फायदा है बिजनेस एनवायरनमेंट का। अब मैं बिजनेस एनवायरनमेंट के तीसरे फायदे की बात करता हूँ और वो है कंटिन्यूस लर्निंग। देखो ऐसा है बिजनेस एनवायरनमेंट में हम ये तो जानते हैं कि यार ये एनवायरनमेंट बड़ा डायनामिक है, लगातार बदलता रहता है, बड़ा परेशान करता है, माना परेशान करता है मेरे बच्चे, लेकिन यही चैलेंजेस आपको लाइफ में लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई चीज़ एक ही तरीके से हमेशा चलती रहेगी ना तो लाइफ रहेगी बड़ी बोरिंग। लाइफ में डायनेमिकसिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगातार एनवायरनमेंट में जो बदलाव आते हैं और फिर वो बदलाव आपको परेशान करते हैं और फिर आप उस बदलाव के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालकर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी डे बाय डे लर्निंग होती है। एक मैनेजर को समझ होती है कि मुझे सिचुएशन में कैसे डील करना आना चाहिए। हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहेंगे, हालात बदलेंगे, हमें हालात के अकॉर्डिंग बदलना आना चाहिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की लगातार एनालिसिस आप लोगों को कंटिन्यूस लर्निंग प्रोवाइड करती है। सर पहली चीज़ तो समझ में आई थी कि हमें एक तो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट का पता लगता है, दूसरी चीज़ अगर हम प्रॉपरली अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर उनको ग्रैब कर लेंगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेंगे तो हम ग्रोथ के डायरेक्शन में भी आगे बढ़ेंगे। लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने से हम लोगों की कंटिन्यूस लर्निंग होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम अपने कॉम्पिटिटर से लड़ाई कर सकते हैं। देखो कॉम्पिटिटर जो है ना एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट का। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर कोई स्ट्रैटेजी को समझेंगे, उसके प्लान्स को समझेंगे, तो ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी, फर्म की हेल्प करेगी कि आप अपने कॉम्पिटिशन को हरा सकें। देखो कॉम्पिटिटर की
हर एक स्टेप पर हमारी नजर होनी चाहिए कि कॉम्पिटिटर अब क्या करने वाला है। आपको उसके हर एक स्टेप को समझना है, उससे पहले वो स्टेप लेके उसे हराना है। तो देखो उससे क्या होगा, कभी भी आपके कॉम्पिटिशन आपको परेशान नहीं करेगा और आप लगातार बिजनेस में हमेशा स्टैंड करते रहोगे। समझ आती है बात इन्हें? तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने का ये एक और फायदा है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से आसानी से नहीं हारेंगे, और दूसरी चीज अगर नहीं हारेंगे तो कभी आप अपने कॉम्पिटिटर को इजीली हराएंगे भी। लास्ट फायदा वो है इमेज बिल्डिंग। देखो एक चीज है, अगर आप इतने ज्यादा डायनेमिक आदमी है ना कि जो भी एनवायरनमेंट में चेंज आया आपने फौरन उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लिया। आपको पता है लोगों की नज़र में आप एक सर्वाइवर की तरह देखे जाएंगे कि यार हालात कैसे भी हों ये बंदा अपने आप को संभाल ही लेता है, हालात कितने भी बुरे हों ये कंपनी अपने आप को आगे बढ़ा ही लेती है, इनको हालात को समझना आता है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलना आता है। जब लोगों का परसेप्शन आपके लिए ये रहेगा तो बताइए आपकी इमेज बिल्डअप होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट आपको अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। बिजनेस एनवायरनमेंट अगर आप अपॉर्चुनिटी को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करेंगे और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेंगे तो आपकी ग्रोथ भी पॉसिबल है। डे टू डे बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना, एनालाइज करना आपको कंटिन्यूस लर्निंग प्रोवाइड करता है। आप अपने कॉम्पिटिशन के साथ लड़ सकते हैं और आपकी इमेज मार्केट में अच्छी हो सकती है। तो मैंने आप लोगों को बिजनेस एनवायरनमेंट के चार फीचर्स पढ़ाए, कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक, मल्टीफेसेटेड, फार रीचिंग इंपैक्ट, डिटरमिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, कंटिन्यूस लर्निंग, मीटिंग कॉम्पिटिशन, इमेज बिल्डिंग। रट्टा नहीं लगाना मेरे बच्चे, एमसीक्यू फॉर्म है, आपको तरीके से समझना है और समझ के प्रॉपरली आंसर देना है। अब हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। यानी अब आप लोग बताऊं क्या करेंगे, अब आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के साथ कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के से कैसे रिलेटेड होती है। सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं। देखो जी, पहला रिलेशनशिप है कि बिजनेस और एनवायरनमेंट आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। अच्छा कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखिए एनवायरनमेंट से आपको क्या क्या पता लगता है, कस्टमर की नीड्स एंड प्रेफरेंस, लॉ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, गवर्नमेंट कौन सी आने वाली है, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मार्केट में आ रहे हैं। यानी एनवायरनमेंट आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये तो जस्ट मैंने कुछ एग्जांपल ली, आपको भी मालूम होंगे। और बिजनेस किस तरीके की इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट को देता है? सर अगर बिजनेस कोई गुड या सर्विस लॉन्च कर रहा है तो उसका एडवर्टीजमेंट प्रमोशन करता है, पब्लिक को अपने अकाउंट्स बताता है, फाइल करता है, देखो जी इस साल हमने इतना प्रॉफिट कमाया, इतना लॉस कमाया, बताते नहीं है कंपनीज, बताती हैं। गवर्नमेंट को अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन देना, रिटर्न्स वगैरह भर के। तो हम भी एनवायरनमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और एनवायरनमेंट भी हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो बिजनेस का यानी एक ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट से कैसा रिलेशन है, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का रिलेशन है। हाँ जी, एनवायरनमेंट और बिजनेस रिसोर्सेज भी एक्सचेंज करते हैं। इन्वायरमेंट आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है? देखिए बेटा ये फेमस फाइव एम्स हैं, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड। आप लोग अच्छे से जानते हैं, लेबर, पैसा, कैपिटल गुड्स, मटेरियल, मेथड। आप लोगों ने इनको ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। बस यहाँ पर ना उसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप ना कहकर मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड कह दिया। तो एनवायरनमेंट आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, पैसा, मनी, लोग, मटेरियल, मेथड, ये सब प्रोवाइड करता है। और आप क्या देते हैं रिसोर्सेज के नाम पर एनवायरनमेंट को, काम करने वाले लोगों को सैलरी। वो लोग आपको मटेरियल दे रहे हैं ना, एनवायरनमेंट आपको रॉ मटेरियल दे रहा है, आप उनको पूरा प्रोडक्ट बनाकर दे रहे हैं। वो लोग आपको पैसा दे रहे हैं ना, तो आप उनके पैसे पर उनको उनका रिटर्न दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं। तो बिजनेस और एनवायरनमेंट आपस में रिसोर्सेज को भी एक्सचेंज करता है। इन्फॉर्मेशन तो एक्सचेंज करता ही करता है, आपस में रिसोर्सेज को भी एक्सचेंज करता है। बात करते हैं एक और चीज़ की जो आपस में ये दोनों एक्सचेंज करते हैं, और वो है इन्फ्लुएंस एंड पावर। देखो एक बात तो माननी पड़ेगी मेरे बच्चे, सोसाइटी जो है ना, सोसाइटी वो सभी रिसोर्सेज की ओनर है,
सभी इंफॉर्मेशन की ओनर है। जिन चीजों को आप ऊपर देख रहे थे ना, रिसोर्स एक्सचेंज करना, इंफॉर्मेशन, सोसाइटी रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन की ओनर है। तो आप बताओ एनवायरनमेंट का बिजनेस पर अल्टीमेट इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा? अभी तो आप पढ़ते हुए ही आ रहे हैं कि किस तरीके से एनवायरनमेंट बिजनेस पर इन्फ्लुएंस जमाए रखा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, कस्टमर इज अ किंग। आप कहते हैं कस्टमर की जो नीड एंड प्रेफरेंस होगी आप उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, तो यानी एनवायरनमेंट का बिजनेस पे एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, एक ग्रेट इन्फ्लुएंस है। लेकिन कभी कभी ना बिजनेस का भी एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट होता है, एनवायरनमेंट पे इन्फ्लुएंस होता है। वो तब होता है कि जब बिजनेस क्या कर रहा हो, मेजर रिसोर्सेस को एक्सेस कर रहा हो। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक सोलार पावर कंपनी है, वो देश में जो एनर्जी डिमांड है ना, देश की जो एनर्जी डिमांड है उसका 80% प्रोडक्शन यही सोलार पावर कंपनी करती है। तो अगर ये कंपनी किसी भी तरीके से नाराज या बंद हो गई ना, तो देश में एकदम एनर्जी क्राइसिस आ सकता है। तो इस वजह से लोग एकदम से हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं कह सकते कि यह हमारे हिसाब से चलेगी। कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का दबदबा गवर्नमेंट पर और वहाँ के लोगों पर इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ के लोग और वहाँ की गवर्नमेंट उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर भी डिपेंड करती है। तो इन्वायरमेंट ही बिजनेस के ऊपर इन्फ्लुएंस और पावर एक्सरसाइज नहीं करता, कभी कभी कुछ कुछ केसेस में बिजनेस भी एनवायरनमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस और पावर एक्सरसाइज करता है। तो यहाँ तक इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया। अगली वीडियो में मैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू सो मच।